हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर की नमकीन। तो उसके लिए हम मसूर को पहले से भिगो दिए हैं। भिगोने के बाद हम उसको कपड़े में फैलाकर और 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देंगे ताकि उसका जितना पानी है सारा सूख जाए। इसके लिए चाहिए ये है जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है, मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक और ये आमचूर पाउडर। तो ये हम 1 घंटे सुखाने के बाद हमारा मसूर ऐसा हो गया है। पहले हम भिगो देंगे, उसके बाद सुखाएंगे इसको पंखे के नीचे कपड़े पे ताकि इसका सारा पानी सोख जाए। उसके बाद हम कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। तेल को पूरा गर्म होने देंगे अच्छी तरह से, धुआं निकलने तक। देखिए हम चेक करें कि गर्म हुआ है कि नहीं, और इसको बहुत ध्यान से तलना है क्योंकि ये ऊपर भी मतलब फूटता भी है, उछलता है, इसलिए इसको डाल के छोड़ देना है, चलाना नहीं है। जब इसके बुलबुले कम हो जाएंगे तब इसको हम चलाएंगे, बीच में नहीं चलाना है। बीच में चलाएंगे तो बस ऊपर फेंकेंगे और जब चलोगे, इसलिए चलाएंगे नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ हमारा तेल बढ़िया से गर्म हो गया, उसमें हम मसूर डाल देंगे। आप चाहो तो छन्नी में भी डाल सकते हो, उसे निकालने में दिक्कत नहीं होगी, हम नहीं डाले हैं। यहाँ देखिए ये बुलबुले निकल रहे हैं, इसको छन्नी से नहीं अभी चलाना है क्योंकि चलाएंगे तो बस वो फूटेगा। और ये नमकीन इतना अच्छा लगता है, घर का बनाया हुआ देसी, हम गांव में बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हमें मन किया तो हम यहाँ पे भी बनाएं। देखिए अब बुलबुला थोड़ा कम हुआ है तो हम इसको चलाएंगे। जब यहाँ मसूर देखिए अपने आप पक के ऊपर आ जा रहा है, जब सारा मसूर ऊपर आ जाएगा तो समझिए कि पक गया है। देखिए यहाँ ऊपर आने लगा है, देखिए ऊपर आ गया है सारा, तो ये बन गया है, पक गया है, फूट गया है। देखिए बीच से सारा फूट जाएगा। देखिए फूट गया, देखिए अच्छी तरह से सारा फूट गया है। अब इसको हम कपड़े में निकाल लेंगे ताकि ये तेल सोख ले। देख कितना अच्छा नमकीन हुआ है, जैसे मूंग का होता है ना, मूंग का नमकीन वैसे ही है। यहाँ देखिए हम छन्नी से निकाले हैं, छन्नी से अब कपड़े में हम डाल के इसको अच्छी तरह से रख देंगे क्योंकि मतलब वो तेल सोख लेगा अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काला नमक, नमक, मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर। यहाँ हम आमचूर पाउडर डालेंगे। तो बस इसको मिला देंगे। ये मूंग दाल नमकीन को भी फेल करता है। हम थोड़ा सा बनाए हैं क्योंकि हम अकेले ही खाने वाले थे, इसीलिए